सही बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग आवाज आ गया बच्चों, हाँ है ना? यस सर। यस ओके बहुत बढ़िया। तो बेसिकली बच्चों सबसे पहले सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना? एंड जैसे आपको पता हो बच्चों, जैसे पता होगा आपको कि हमने ये चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, कुछ ज्यादा पार्ट बचा नहीं है, बहुत सिंपल वाला पार्ट है, एंड आज हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने कोलोइड्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा बच्चों? कि कोलोइड बनता कैसे है, हम उसको प्योरीफाइज कैसे करते हैं, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई किया। तो बच्चों प्रॉपर्टीज के बारे में जब पढ़ाई करते बच्चों, उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट था बच्चों, वो आपका सिंबल। आई होप आप सब बहुत सब अच्छे होंगे, है ना? ये सब तो हमेशा बोलते रहता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली हमने ये पूरा पार्ट प्रॉपरली खत्म किया था, एंड कल हमने टेंडुलकर के बारे में पढ़ाई किया, हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई किया, है ना? उसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ाई किया। तो आज हम क्या पढ़े बच्चों? आज हम इसके रियल पार्ट पढ़ने वाले, ठीक है ना? तो कल क्या हमने इलेक्ट्रोफोर्स के बारे में पढ़ा था बच्चों? हाँ है ना, पढ़ा था क्या? यस सर, पढ़ा था पर पढ़ा था राइट, एक हाँ ना? बार दोबारा रिवाइज करा दो। हाँ, तो एकदम सही। तो हमने इलेक्ट्रोफोर्स के बारे में पढ़ पढ़ते ओके। तो गुड बेसिकली होता इवनिंग क्या सर। बच्चों, वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, है ना? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, तो उसका काम क्या बच्चों? बेसिकली अगर आपका कोई सोल है, अगर आपका कोई सोल है और मुझे ये पता करना है, मुझे ये पता करना है कि मेरे सोल का चार्ज क्या है, मेरे सोल का चार्ज है क्या, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा? मैं वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करूंगा। करते क्या बच्चों? बेसिकली हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड को ऐड कर देते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना? और हम क्या देते हैं बच्चों? जो कैथोड है, जो आपका कैथोड है बच्चों, उसका चार्ज क्या बच्चों? उसका चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज है, और आपका एनोड का आपका पॉजिटिव चार्ज है ना? हम नहीं देखते। अब मान के चलो मैं अगर मुझे किसी भी सोल का, मुझे किसी भी सोल का क्या बोलते हैं, चार्ज फाइंड करना है, तो मैं क्या करूं बच्चों? मैं उस सोल को इस चेंबर में डाल दूंगा। इस चेंबर कैसे बच्चों? ये आपका एक यूट्यूब शेप आपका चेंबर है। वो यूट्यूब वो नहीं है, ये यूट्यूब है, ये यू है, यूट्यूब, ये आपका यू और यूट्यूब। हाँ, वो आप यूट्यूब बोल दे रहे, ठीक ना? हाँ, तो चेंबर है, सोल को डालते हैं, और जो भी आपका चार्ज सोल का होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट करेगा। अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपका सोल का चार्ज पॉजिटिव है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, है ना? अगर आपका सोल का चार्ज नेगेटिव है तो आपका एनोड की तरफ जाएगा। तो बेसिकली आपको जानना क्या बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या है, और वो पता चल जाए तो आप आराम से बच्चों क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना? अभी बच्चों ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपको एग्जाम में याद करना है, ठीक है ना? ये आपका फैक्ट्स है, इसको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम बेसिक पूछते क्या बच्चों? बेसिक आपका आर्सेनिक सल्फाइड्स के बारे में पूछते हैं, स्टार्च के बारे में पूछते हैं, ठीक है ना? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में पूछते हैं, और आपका बेसिक डाइक के बारे में पूछते हैं। ये सब क्या बच्चों? ये आपका सारे जो आपका कोलोइड पार्ट है उसका चार्ज है बच्चों। तो बस बच्चों खाली इतना पढ़ना है, और ज्यादा कुछ पढ़ने की बात नहीं है। आई गेस इतना, बस इतना पढ़ सारे बस समझ गए, हाँ या ना? डन। यस सर। ओके सर ओके बहुत बढ़िया। तो ये पार्ट क्या था बच्चों? ये पार्ट था आपका कोलोइड के बारे में, ये चार्ज इलेक्ट्रोफोर्स के बारे में पढ़ाई किया। अब आगे बढ़ते बच्चों, अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ने वाला आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमें ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो होता क्या बच्चों, देखो क्या लिखा है, आपको दिख रहा होगा दैट कोलोइड पार्टिकल्स ऑलवेज कैरीज द इलेक्ट्रिक चार्ज, द नेचर ऑफ चार्ज इज सेम एज द पार्टिकल ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? ये हम प्रॉपरली देखते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे हम एग्जाम क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने इस कंपाउंड को इसमें डाल दिया, उस सॉल्ट को इसमें डाल दिया, और मुझे बताना है कि ये किस टाइप का सोल बना, पॉजिटिव सोल बना या आपका नेगेटिव सोल बना, है ना? तो ये पूरा पार्ट इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना? तो यहाँ से लेके बार यहाँ तक पढ़ाई करते हैं, देन आपको समझ में आएगा हम क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो केशव अपना पढ़ाई करे बच्चा, पढ़ो।
ड्यू टू प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन विच इज कॉमन एंड प्रेजेंट इन एक्सेस एग्जाम्पल व्हेन AgNO3 एंड Ki solutions आर मिक्स्ड द पार्टिकल्स ऑफ AgI आर प्रेसिपिटेटेड दीज पार्टिकल्स कैन एब्जॉर्ब Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव आयन्स इफ Ki इज इन एक्सेस I नेगेटिव आयन्स वुड बी एब्जॉर्ब्ड गिविंग AgI I नेगेटिव सोल बट इफ AgNO3 इज इन एक्सेस अ पॉजिटिव सोल Ag पॉजिटिव इज ऑब्टेंड. ओके, तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि हम बोल गए, इतना मुश्किल नहीं, देखो ध्यान समझो. तो यहाँ पे ये बोला क्या बच्चों, ये देखो अगर आपका के आई ज्यादा एक्सेस में हो जाता है तो क्या हो, क्या हो बच्चों, आपका आई माइनस ज्यादा एक्सेस में होगा, राइट. तो सोल आप कैसे बनेगा, दैट इज AgI, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे आपका आई माइनस होगा. तो ये कैसे सोल बना बच्चों, ये कैसे बना, ये बन गया आपका नेगेटिव सोल, ये आपका एक नेगेटिव सोल बना, है ना. सिमिलरली बच्चों क्या होगा बच्चों, अगर आपका AgNO3 आपका एक्सेस होगा, मतलब अगर आपका सिल्वर एंड आपका एक्सेस, तो क्या होगा, कैसे बनेगा, जैसा बनेगा, दैट इज AgI/Ag पॉजिटिव. तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव सोल बना, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव सोल बना. तो बेसिकली बच्चों यहीं से बच्चों आपको, यहीं से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. इधर समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना. तो आपको ये पता चलना चाहिए बच्चों आपका कौन सा सोल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा बच्चों. और भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना. अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका FeCl3 है ना, और आपका FeCl3 है, हमने इसको ऐड कर दिया इसमें बच्चों एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में ऐड किया, राइट. तो मेरा वहां पे क्या बने बच्चों, मेरा वहां पे बनता है, मेरे वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज सोल, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज सोल बनता है, ये बनता है. तो बच्चों ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपका एग्जाम बहुत कॉमन वाला पार्ट है, बिकॉज यही दो एग्जाम्पल क्या बच्चों, ये आपका NCERT में दिया, ये आपका NCERT के टेक्स्ट बुक में दिया गया. तो बेसिकली कल मैंने आपको PDF भेजा नहीं था बच्चों, मैंने PDF इसलिए नहीं भेजा बच्चों क्योंकि आज अगर मैं पढ़ा देता उसको तो आपको आराम समझ में आ जाएगा. अगर देखो बच्चों अगर मैं डालता हूँ आपका FeCl3, अगर मैं FeCl3 को ऐड करता हूँ किसमें बच्चों, सोडियम हाइड्रो, दैट इज एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रो से ऐड करता हूँ, तो मेरा वहां पे क्या बने बच्चों, क्या बनेगा, मेरा यहाँ पे बनेगा आपका दैट इज नेगेटिवली, यहाँ पे मेरा आपका नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगा. तो बच्चों बेसिकली आपको ये चार एग्जाम्पल है जो बच्चों आपको प्रॉपरली नोट डाउन कर रहा है, ठीक है बच्चों. जो आपका एक्सेस होगा उसका एंड जो आपका सरफेस में बच्चों उस टाइप का आपका सोल बनेगा. इधर समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, सबको आया समझ में. Yes, तो ये आप ये क्या बच्चों, ये आपका बेसिक पार्ट है. मान के चलो आपने ये लिया है ना, और आपका आई माइनस सरफेस में आया, तो आई माइनस कहाँ से आएगा बच्चों, जब आपका क्या होगा, जब आपका के आपका ज्यादा होगा, तो क्या बच्चों कैसे होगा, ये आई माइनस आपका उस सरफेस में आएगा, तो आपका क्या बनेगा, आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव सोल बनेगा. सिमिलरली बच्चों अगर मैं AgNO3 को डालता हूँ तो क्या हो बच्चों, ये मेरा अगर ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों, मेरा Ag+ एडजॉर्ब होगा सरफेस में, तो मेरा क्या बनेगा बच्चों, मेरे वहां पे आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगा. तो बेसिक बच्चों ये आपको जो चार एग्जांपल्स बच्चों, ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, आपका नेगेटिव सोल कब बनता है और आपका पॉजिटिव सोल कब बनता है. इतना सारा बात समझ गए बच्चों, हाँ या ना. फैक्ट से बच्चों, फैक्ट से आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अब देखो ये जो स्लैश के आगे पॉजिटिव, इनका मतलब है ये एक्सेस में, हाँ. तो ये आपका क्या होगा, ये आपका किया आपका एक्सेस में होगा, ये आपका ज्यादा एक्सेस में होगा, सिंपल बात. देखो दिख रहा है ना बच्चों, देखो If Ki is in excess, then IMS will absorb होगा. अगर आपका AgNO3 excess, तो क्या होगा, क्या होगा आपका Ag+ आपका absorb होगा, तो आपका उस टाइप का सोल बनेगा. अब देखो ये भी बच्चों एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज SNO, दैट इज टिन ऑक्साइड कैन एक्ट एज ए पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम. जैसा उसका मीडियम हो चुका आपका दोनों टाइप का ये शो करेगा. तो ये बच्चों ये जो पार्ट है बच्चों इसको आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, और कोई ऑप्शन नहीं है. हाँ डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम से पहले बच्चों ये पार्ट को पढ़ना ही आपको, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ से बहुत बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. ओके अब बच्चों आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं, आगे वाला पार्ट हम पढ़ते हैं बच्चों. तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड. तो आपको ये ध्यान है बच्चों, जब भी आप वर्ड सुनोगे इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड के बारे में, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे क्या होता है,
वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द सोल पार्टिकल्स, ये आपको ध्यान रखना है। समझ रहे बच्चों? हाँ है ना। तो ये जो पॉइंट्स है बच्चों, ये पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज यहाँ से बच्चों आपके स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड है उसमें क्या कैप्चर होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, आई मैस होता है, क्या होता है आपको, क्या आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। तो ये आपको जो बेसिक पार्ट बच्चों इसको आपको प्रॉपरली याद करना पड़ेगा। इतना पढ़ सर बस समझ गए बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या, तो ये क्या बच्चों, ये आपका सोल के बारे में बच्चों ने प्रॉपरली पढ़ाई की। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पार्ट, अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन कैसा आता है ध्यान समझना। अब देखो बच्चों जो हमने ऊपर पार्ट पढ़ा बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक डबल लेयर फॉर्म होता है। अब डबल लेयर फॉर्म कैसे होता है बच्चों, ये हम इसको पढ़ते। ओके पढ़ो बच्चा केशव, यहाँ से पढ़ो जरा। बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस, टू लेयर्स आर डेवलप्ड ऑन द पार्टिकल्स, वन इज फिक्स्ड लेयर एंड अदर इज डिफ्यूज्ड लेयर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इलेक्ट्रिक डबल लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ओके दिस ओके 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 हाँ। तो ये बच्चों ये आपका पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या होता है बच्चों, जब आपका मॉलिक्यूल पास अब क्या होता है बच्चों, एक आपका फिक्स होता है एक आपका डिफ्यूज होता है। तो डिफ्यूज क्या होता है बच्चों, वो आपको वहाँ मॉलिक्यूल सबका रैंडम मोशन करता होगा है ना। तो क्या बच्चों इसमें आप, इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसमें हम क्या कहते हैं बच्चों, इसमें हम कहते हैं आपका जीटा पोटेंशियल कहेंगे और आपका इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहेंगे। तो बेसिकली क्या बच्चों, ये पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी आपको जीटा पोटेंशियल पर ध्यान बने तो उसमें क्या, वहां पे हम किसकी बात करें बच्चों, हम वहां पे आपका सोल का, हम वहां पे सोल का चार्ज के बारे में बात करते हैं, या तो आपको कोलोइड के चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो इतना पार्ट आपको समझना है कि आपका जीटा पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, वहां पे आपका इलेक्ट्रिकल डबल बनेगा, एक लेयर आपका फिक्स होगा एक आपका डिफ्यूज होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो दिख रहा होगा बच्चों, एक आपका फिक्स लेयर है और एक आपका डिफ्यूज लेयर है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपको ध्यान से पढ़ाई करना। आगे पढ़ो बच्चा केशव। पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइड्स आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स, बेसिक डाइज लाइक मिथिलीन, प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, ऑक्साइड्स लाइक CO2, सोल। एग्जांपल नेगेटिवली अच्छा आपकी आवाज कट रही, कोई बात नहीं, आपकी आवाज कट रही कोई बात, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोलो बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज सोल, उससे एग्जाम्पल क्या बच्चों, आपका कॉपर ईयर पार्ट है, मेटल सल्फाइड्स, एसिड डायलैक, योसिन आर स्टार्च आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज सोल के बारे में। तो ये बच्चों ये सारे सोल का ये आपको याद करना पड़ेगा, खासकर ईयर पार्ट दैट इज प्रोटीन इन द एसिड मीडियम, ये आपका पॉजिटिव चार्ज सोल होता है। तो बच्चों ये आपको बच्चों एग्जाम में याद करना पड़ेगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको ये पार्ट पता है, हाँ अब क्या हो, मैंने क्या बोला बच्चों, अगर आपको ये पार्ट पता है तो आपका आंसर आएगा, दरअसल आंसर है तो कैसा, ये आपका टाइम नहीं लगेगा, और आएगा तो आ जाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं आएगा आने वाला पार्ट। तो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, खाली आपको जो एडजॉर्प्शन, जो आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बच्चों, उसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है, और उसको आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट क्या होता है, वो सबको वहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपको प्रॉपर इतना पार्ट करना है। इतना पार्ट समझ गए बच्चों? हाँ या ना? डन? यस सर। यस सर। तो ये आप, तो ये आपका पार्ट है बच्चों, ये आपका। अब देखो बच्चों अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के बारे में। अब देखो बच्चों तो यहाँ पे क्या देखो लिखा दे बच्चों, ए सोल इज जनरली न्यूट्रल। अब देखो अभी आप बोलोगे कभी सोल नेगेटिव हो जाता है, कभी सोल पॉजिटिव हो जाता है बच्चों। तो हमने पढ़ा था बच्चों दो टाइप का सोल होता है, एक आपका होता है लाइफ, एक होता आपका होता है लाइफ फिलिक होता है, एक होता आपका लायोफोबिक वाला पार्ट होता है। तो हमेशा ध्यान है बच्चों, जो आपका लायोफोबिक है ना, जो आपका लायोफोबिक उसमें क्या होता है, उसमें आपका चार्ज रहता है, चार्ज रहने से क्या होता है बच्चों, वहां पे आपका स्टेबिलिटी हो जाता है, वो आपका स्टेबल होगा। ओके फाइन। तो बच्चों जो जो पार्ट है उसको प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके अब देखो यहाँ पे क्या लिखे, देखो द मीडियम इज कैरिड आउट द इक्वल इन ऑपोजिट चार्ज ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल व्हेन द सोल पार्टिकल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीडियम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द सोल पार्टिकल, दिस मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। बच्चों ध्यान समझो, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान समझो, आप बता देखो यहाँ से लेकर
आपका वॉइस म्यूट कर लेता हूं। तो जो क्या लिखा बच्चों देखो, व्हेन सोल पार्टिकल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मूव, मतलब कि आपका सोल मूव नहीं कर रहा, आपका सोल मूव नहीं कर रहा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मीडियम मूव्स, क्या लिखा बच्चों, द मीडियम मूव्स डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ सोल पार्टिकल्स, मतलब कि जिस का आपका सोल है उसके अपोजिट में जा रहा है, एंड द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स मीडियम अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोस्मोसिस क्या होता है बच्चों, क्या होता है वहां पे आपका डिस्पर्स मीडियम का मूवमेंट होता है। जैसे मैं क्या बोला था बच्चों, एक आपका डिस्पर्स फेज होता है, एक आपका डिस्पर्स मीडियम होता है, और क्या बनता है बच्चों, क्या बनता है हमारे वहां पे आपका कोलोइड पार्टिकल बनता है। हमने क्या देखा बच्चों, डिस्पर्स फेज का क्वांटिटी कम होगा और डिस्पर्स मीडियम का क्वांटिटी अमाउंट ज्यादा होगा। तो क्या बच्चों, ये आपका बेसिक पार्ट है जो बच्चों आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। तो समझ में आ रहा है बच्चों, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के बारे में तो चलो है क्या बच्चों, वो खाली ये है बच्चों, दैट इज द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स मीडियम टू द ऑपोजिट टू द सोल पार्टिकल। तो वो आपका और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, हम इसको इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट आपको प्रॉपरली याद करना पड़ेगा, कौन सा जो मैंने आपको उसको ब्रैकेट में डाला है। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, अभी, हाँ अभी जैसे तीन चार लोग बच्चे बोल रहे ना, जिससे कुछ बोल ही नहीं रहे, बोले कि क्या बार बार हम थ्योरी पढ़े जा रहे, खाली थ्योरी पढ़े जा रहे। नहीं, सर, न्यूमेरिकल्स का वेट कर रही है। हाँ न्यूमेरिकल्स, हाँ अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आएगा। क्या बोल रहे जैसिका सर? मैं ध्यान से सुन रही हूँ तब मैं बोल रही। ओके फाइन फाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये पार्ट है, अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका कोएगुलेशन वाला पार्ट, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। अब देखो अभी कोएगुलेशन मतलब क्या होता है बच्चों, अभी आप सोचो सर इलेक्ट्रो कहाँ किस काम का है, सिंपल सेपरेशन करना, आपको सेपरेट करना, आपका सोल अलग करना और आपका डिस्पर्स मीडियम को अलग करना, बस सिंपल और कुछ नहीं, मतलब कि अलग अलग करना उसको। अब देखो अभी हम क्या पढ़े बच्चों, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन के बारे में। थोड़ा वेट करो, क्वेश्चन आ गया तो आपको और समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस करो, ठीक है? नहीं नहीं सर, मैं सोच रही हूँ ना, आप कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं आज। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, हंसा करो, हमें भी बड़ी हंसी आती है। ओके सर, ऐसे रहते हैं। हाँ ठीक है, वो चलो अब देखो। अरे हाँ, अभी मैं बात कर प्रेसिपिटेशन बात करो, ध्यान सुनो उसके बारे में, ठीक है? अब देखो अभी प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ सरिता, है ना, मैं बोल रहा हूँ सरिता, या फिर मैं बोलता हूँ यामिनी है, वाई यामिनी है और जे जैसिका, है ना, ये जे जैसिका है। अब क्या और बच्चों, ये दोनों घूम रहे हैं, है ना, इनमें भी चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों बहुत घूम रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं। अब क्या हुआ बच्चों, यामिनी घर पे आई और जैसिका घर पे आई, मतलब दोनों एक रूम में है। अब क्या हुआ, अब दोनों थके पड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है, यामिनी सो गई और जैसिका सो गई। तो अब मैं क्या बोलूंगा, वो क्या हो गया, वो आपका प्रेसिपिट हो गए, मतलब कि बैठ गए, अब उनमें कोई ताकत नहीं बचा घूमने फिरने के लिए। अब देखो यहाँ पे उसके पढ़ देखो, क्या लिखा, देखो द फॉक्युलेटिंग एंड सेटलिंग डाउन ऑफ द सोल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कोएगुलेशन। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका सोल पार्टिकल बैठ गया, कुछ रैंडम कुछ मोशन नहीं करे, बैठ गया, तो उससे क्या कहेंगे बच्चों, कहेंगे हम उससे कोएगुलेशन कहेंगे या तो उसको प्रेसिपिटेशन कहेंगे, ठीक है ना। अब ये होता कैसे बच्चों, हाँ ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है, ये पॉइंट्स को बच्चों आपको नोट डाउन करना है। क्या लिखा बच्चों, एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय मिक्सिंग ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स बाय द बॉलिंग। ये आपका चार मेथड है जिसमें क्या होता बच्चों, जिसमें आपका ओके तो ये क्या बच्चों, ये आपका आपका कोएगुलेशन का ये कोएगुलेशन बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है बच्चों, हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखो अब क्या बोले बच्चों, अब बोला है आपका एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो प्रगति पढ़ो बच्चा जरा, ए नेगेटिवली आयन कॉस्ट, प्रगति पढ़ पाओगे क्या, यामिनी पढ़ोगे, कौन पढ़ेगा? यस सर। कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो।
अंशुमन। अच्छा अंशुमन पढ़ोगे क्या? अंशुमन पहले बहुत टाइम से ही हैंड रेस किया उन्होंने। ओके कोई एक्सरसाइज चल रही है अभी। बात नहीं, काम करते हैं। प्रगति पढ़ो, प्रगति पढ़ो बच्चा, कमांड पढ़ो प्रगति आप। ओके सो नेगेटिव आयंस कॉस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना? तो यहाँ पे बोल के रहे बच्चों, जो जिस टाइप का सोल होगा हमको उसको उसका नेगेटिव आयन का डालना पड़ेगा, ठीक है ना? आप देखो, अब इसे यहाँ पे देखो, व्हेन द वैलेंसी ऑफ आयन इज हाई द प्रेसिपिटेशन पावर, देखो ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखो द वैलेंसी ऑफ आयन इज हाई देन द प्रेसिपिटेशन पावर इज इंक्रीज्ड, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका वैलेंसी हाई है तो आपका प्रेसिपिटेशन हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ सम कटायंस आर एन दिस, तो क्या होगा बच्चों, जिसका ज्यादा चार्ज आएगा वो आपका जल्दी प्रेसिपिटेशन पावर होगा उसका। देखो देखो यहाँ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम का ज्यादा है बिकॉज चार्ज ज्यादा है 3+, बेरियम का 2+ और आपका एनए का प्लस। सिमिलर देखो एनएन कैसे बच्चों के साथ, यहाँ पे 3-, 2- और यहाँ पे सिंगल माइनस, तो क्या बच्चों के साथ ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका आयंस का वैलेंसी होगा। समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। सर ओके अब ये बच्चों देखो क्या लिखा है, देखो इसके आगे IMP लिख दो। हाँ ये आप, हाँ ये वाला पार्ट आपका आईएमपी है बच्चों। यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे एंड चैट बॉक्स में कम करो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझो। ओके द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिटरमाइन द फाइंडिंग द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन पर मोल रिक्वायर्ड द कॉज द पार्टिकल सोल इन द 2 आवर्स, द वैल्यू ऑफ इज कॉल्ड द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, द स्मॉलर द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ग्रेटर विल बी द प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों ये जो लिखा है ये भी आपका काफी ज्यादा आईएमपी स्टेटमेंट है, दैट इज द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, दो जितना आपका छोटा वैल्यू आएगा आपका प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। देखो बच्चों ये मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है बच्चों ऊपर दिख रहा है ये वाला पार्ट। यस सर। अब देखो हाँ वही बोल, देखो फैक्टर मतलब क्या, ध्यान दो क्या, देखो क्या, देखो देखिए ये दिख रहा है बच्चों कोऑर्डिनेटिव वैल्यू, दिख रहा यस है? सर। अब देखो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड टू द कोऑगुलेट द कोलुइड सॉल्यूशन, स्मॉलर द कोऑगुलेशन और फैक्टरिंग वैल्यू ग्रेटर इज द क्वालिटी क्वालिटी पावर, ठीक है ना? तो बेसिक बच्चों आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि फोकुलेटिंग क्या आपका क्वालिटी पावर क्या। बच्चों देखो ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूँ, आपको ये पॉइंट को याद करना है। क्या बोले देखो बच्चों यहाँ पे दो दो चीज बता रहा हूँ, एक हम बात कर रहे हैं फोकुलेटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला बच्चों स्मॉलर, अगर आपका फोकुलेटिंग वैल्यू कैसा स्मॉलर है, अगर आपका फोकुलेटिंग स्मॉलर है तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, क्या होगा बच्चों, ये आपका ज्यादा आएगा। अगर फोकुलेटिंग कम है तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा आएगा, ठीक है? अब देखो अभी हम बोल रहे हैं फोकुलेटिंग मतलब क्या होता है, तो केशव यहां से पढ़ो बच्चा, यहां से लेके यहां तक पढ़ो। द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द मिनिमम कंसेंट्रेशन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कस प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल इन 2 आवर्स। दिस वैल्यू इज कॉल्ड फोकुलेशन वैल्यू। ओके अब देख बच्चों, अब सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ किस टाइप एग्जांपल दूँ, जैसे मान के चलो कि एक बच्चे को है ना, एक बच्चा है ना, मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट ए है एंड स्टूडेंट बी है ना, मुझे स्टूडेंट ए को मुझे मुझे स्टूडेंट को समझाना है, मुझे दोनों को समझाना है, मुझे दोनों को कुछ टॉपिक समझाना है ना? अब देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो बंदा ए है वो आपका 1 आवर में पूरा टॉपिक, वो आपका पूरा टॉपिक समझ जाता है, वो आपका पूरा टॉपिक समझ जाता है। सेम टॉपिक को पढ़ने के लिए बी को लग रहा है 2 आवर्स, कितना लग रहा है बच्चों, 2 आवर्स लग रहा है उसको समझ में, लग रहा है ना? समझ में लग रहा है, हाँ या ना बच्चों? यस सर। यस अब देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा, दो क्या लिखा बच्चों, इट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन,
मतलब कि कितना कम एफर्ट डालने से कितनी जल्दी बन जाएगा, इज कॉल्ड द फोक्यूलेटिंग वैल्यू। देखो ध्यान समझो बच्चों, अगेन कैसे जरा पढ़ो उसको बच्चा, यहां से यहां तक पढ़ो, अगेन पढ़ो आराम से पढ़ना। द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सॉल्ट इनटू आर। दिस वैल्यू इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन वैल्यू। तो क्या बोलो बच्चों, स्मॉलर द फ्लोकुलेशन वैल्यू ग्रेटर प्रेसिपिटेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कम टाइम पढ़ाकर आपको ज्यादा समझ गए तो मतलब क्या सोचो, आप ज्यादा समझदार हुए ना, आप ज्यादा समझदार हुए, हाँ है ना, है कि नहीं ना, वही मैं बता रहा हूँ ना। तो यस देखो इट इज द मिनिमम कंसेंट्रेशन फॉर टू कॉज द प्रेसिपिटेशन फॉर इन 2 आवर्स। तो जितना कम मैं समझ जाओगे आपका वैल्यू उतना बढ़ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे 1 घंटे में, मैं आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप 1 घंटे पूरा पढ़ गए समझ गए तो मतलब क्या आप बहुत ज्यादा समझदार हो गए, है ना। तो सिंपल सी बात क्या हमने क्या बोला बच्चों, स्मॉलर द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, स्मॉलर द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ग्रेटर विल बी द प्रेसिपिटेशन। ये आपको समझना है, ये कैसा बच्चों, ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप है। खाली आप इतना पार्ट समझो बच्चों, तो ये जो पार्ट बच्चों ये आपका एक आपका IMP पार्ट है। कौन सा बच्चों, ये पार्ट आपका IMP है और आपका जो फोकुलेशन वैल्यू बच्चों ये भी आपका इम्पोर्टेंट वैल्यू बच्चों। तो ये पार्ट आपको प्रॉपरली समझना है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इतना सारा बच्चे समझ गए बच्चों, हाँ है ना। यस सर, ओके सारे बच्चे, यस मितुल, विवेक, सोमदत्त, कमिश्नर, निखिल, अखिल, प्रगति आ रहा है? अरे सर, हाँ, यस सर, यस ओके। सर, आपने बीच में कमिश्नर बोला था क्या? हाँ कमिश्नर बोला अपना सोमदत्त है ना, कमिश्नर तो बनेगा है क्या ना, है ना, पता नहीं सोमदत्त है कि नहीं यहाँ पर, लेकिन ओके। अब देख बच्चों, है अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रो फोर्सेस के बारे में। ओके हाँ, तो इलेक्ट्रो फोर्सेस क्या है बच्चों, देखो लिखा है इलेक्ट्रो फोर्सेस द चार्ज पार्टिकल माइग्रेट टू द इलेक्ट्रोड ऑफ द अपोजिट साइन। हमने पढ़ा था राइट, कोई भी आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल, क्या चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या बच्चों सोल है, तो अगर वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन चार्ज तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रो फोरिसिस। इट इज ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, द चार्ज आर डिस्चार्ज एंड एट दे गेट प्रेसिपिटेटेड। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको पूरा पार्ट नहीं पढ़ना बच्चों, आप होली ये पहला पार्ट बच्चों आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए, सिंपल पार्ट है बच्चों, सिंपल आपको समझना है। तो जैसा चार्ज, जैसा आपका सोल का चार्ज होगा वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा। कैथोड का चार्ज आपका होता है नेगेटिव और एनोड का चार्ज होता है आपका पॉजिटिव। तो ये बच्चों ध्यान रखना, और कुछ इतना पर समझिए बच्चों, हाँ है ना। एनोड हाँ पॉजिटिव, यस कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो बच्चों ये ध्यान दे, आई गेस मैं सही लिखा शायद, कहाँ गया, हाँ कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, है ना। चलो यस सर, तो ये बच्चों हमने प्रॉपरली यहाँ पे पढ़ लिया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, बाय मिसिंग टू ऑपोजिट चार्ज सोल्स व्हेन कोलाइड आर ऑपोजिट देयर, क्या होगा बच्चों, ये आपका म्यूचुअल कोलिजन करेगा एंड ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयंस इन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। ये आपको रूडन करना है, बस इतना पॉइंट नहीं है, खास समझो होता क्या करके। बाय बॉइलिंग, चलिए बच्चों व्हेन बॉइल्ड ड्यू टू द इंक्रीज कोलिजन एंड द सोल पार्टिकल कंबाइन एंड सेटल डाउन। क्या बच्चों, तो आपको क्या होगा, आपका पार्टिकल ज्यादा रैंडम मोशन करेगा और आपका क्या होगा, ये आपका प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाएगा, तो बाय द बॉइलिंग से भी हो जाता है। तो पॉइंट से बच्चों आपको खाली ध्यान रखना, और कुछ नहीं, इतना बात समझिए बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। यस सर, तो ये पार्ट अगेन, ये वाला पार्ट देखो, ये बच्चों का है, ये आपको, ये आपका एनसाइटेड इस बुक से है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दो बच्चों देखो, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लक्चुएशन एट आयंस एडेड द ग्रेटर इज द पावर ऑफ द कॉस प्रेसिपिटेशन। अब देखो द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल कैसे होगा बच्चों, द फोकल पर कैसे होगा, ऐसा होगा दैट इज Al3+ बेरियम थ्री, ये हमने पढ़ा बच्चों, अगेन बच्चों बोल रहे बच्चों ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना। सिमिलरली द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल कैसे करेंगे बच्चों, हम उसको नेगेटिव सोच करेंगे, अगर आपका सोल पॉजिटिव है तो आपको वहां पे नेगेटिव पार्टिकल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे बच्चों, कैसे देखो, आपका 4 मास पहले आया, फिर 3 मास आएगा,
फिर 2 माइनस 7 फिर आपका नेगेटिव वाला पार्ट है। तो ये बच्चों अगेन ये पार्ट आपका आईएमपी है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में एंट्रेंस क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके अब देखो अगेन वही चीज पार्ट आगे बच्चों, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मिनिमोल्स पर लीटर दैट कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन द 2 आवर्स इज कॉल्ड द कोएगुलेटिंग वैल्यू और फर्कुलेटिंग वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो ये क्या होता है, ये आपका फर्कुलेटिंग वैल्यू के बारे में, ये आपका वही वही वाला पार्ट है, जो आपका कोएगुलेटिंग वैल्यू है वही आपका फर्कुलेटिंग वैल्यू है। तो यहाँ देखो यहाँ पे स्लैश करो और यहाँ पे लिखो कोएगुलेशन कोएगुलेटिंग वैल्यू, तो ये आपका दोनों सेम वैल्यू है। अब देखो क्या लिखा बच्चों, द स्मॉलर इज द क्वांटिटी नीडेड एंड हायर विल बी द कोएगुलेशन पावर ऑफ आयन। तो अगेन बच्चों वो सेम पार्ट है, ये आपको ध्यान समझना है, खाली नाम चेंज है बच्चों। देखो देखो यहाँ पे क्या रहा बच्चों, यहाँ पे आप वर्ड आ रहा है वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ वैल्यू यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका कोएगुलेशन पावर की बात करें तो कितने जल्दी हो जाता है वाला पार्ट, तो सिंपल है इतना डिफरेंस वाली बात। हाँ अरे देखो हमने पढ़ा ना प्रेसिपिटेशन है ना, देखो अभी आप क्या हो रहे बच्चों, आप 3-4 चीज से डाउट हो जा रहे हो कि प्रेसिपिटेशन क्या है, कोऑर्डिनेट पावर क्या है, फोकलिंग वैल्यू क्या है, और आपको ये आपका ये ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो ये दिख रहा है सभी को? यस सर। अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन राइट है ना? यस सर। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो आपको समझ में आएगा बच्चों। मैं आपको नोट सेंड करूँ तो आपको आ जाएगा, डोंट वरी, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आ जाएगा, डोंट वरी, इजी है, इतना हार्ड नहीं है, तो समझ के पढ़ो, इतना कोई डिफरेंट नहीं है। ओके अब देखो ये आप बच्चों, ये क्या आपका, ये आपका लास्ट पार्ट आता है बच्चों, ये हम बोलते हैं प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अब देखो ये पार्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ, हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ो बच्चा जैसे, पढ़ो बच्चा जैसे का प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। Lyophilic salts are more stable than lyophobic salts. This is due to the fact that lyophilic colloids are extensively solvated. That is, colloidal particles are covered by a sheath of the liquid in which they are dispersed. Okay, तो basically यहाँ पे बोल, तो basically यहाँ पे बोला कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा अपने मॉम डैड से पढ़े तो क्या कैसे होगा, वो आपका एकदम पास क्लोज होगा, है ना? अब सपोज करो कोई ऐसे पेरेंट्स है जो अपने अपने बच्चे को थोड़ा सा पूछते नहीं है, तो क्या बोले बच्चों, आप क्या बोलोगे, उनके बच्चे में डिफरेंस ज्यादा आ गया राइट, तो आपका लायोफोबिक हो जाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका रिपल्सिव फोर्स है, आपका यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, तो बिकॉज क्या बोलो बच्चों, ये आपका लिक्विड से बहुत अंदर बैठा हुआ है, तो इसे क्या इसे बोले आपका लायोफिलिक बोलेंगे। और कैसे बच्चों, दे आर द एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। देखो यहीं से बच्चों आपका एंट्रेंस क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान समझना। ओके आगे पढ़ बच्चा जैसे का। Lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. When a lyophilic sole is added to the lyophobic sole, the lyophilic particles form a layer around lyophobic phobic particles and thus protection the latter from electrolytes. Lyophilic colloids used for this purpose are called protective colloids. Okay, तो होता क्या बच्चों? क्या था? ये आपका लेयर बना देते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को दोस्त है उससे कुछ पैसे की जरूरत है, आपने ये बच्चों आपने थोड़े उसको पैसे दे दिए, तो आपने ये बच्चों उसका एक हेल्प कर दिया पैसे से राइट, तो कैसे हो गया बच्चों, कैसे हो गया उसका उसका वहां पे प्रोटेक्शन हो गया। तो ये आपको पॉइंट याद है, अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका जे में क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ से आपका जे में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ खुद के पास से पैसे नहीं होते, कोई बात नहीं, जब बड़े हो जाए बहुत पैसे कमाओगे, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो इतना पर समझ गए बच्चों प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के बारे में, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अगर बच्चों देखो अगेन ये सेम पार्ट है बच्चों, ये देखो यहाँ पे टर्म आता है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं आपका गोल्डन नंबर। तो ध्यान है बच्चों, जब यह नाम प्रोटेक्टिव सोल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या है बच्चों, वहाँ पे आपका एक गोल्डन नंबर का टर्म आएगा। अब ये है क्या बच्चों, हम पढ़ते हैं अगेन, जैसे प्लीज पढ़ो बच्चा, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो बच्चा, हाँ A small amount of gelatin sole is added. Gelatin sole is added to gold sole to protect the gold sole. Zymondi, sir. हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो पूरा, हाँ पढ़ो। जो भी है। हाँ।
इंट्रोड्यूस द टर्म गोल्ड नंबर एज अ मेजर ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ अ कोलाइड. गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम हाइड्रोफिलिक कोलाइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल ऑन द एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन. स्मॉलर गोल्ड नंबर ग्रेटर द प्रोटेक्टिव पावर. तो बेसिकली बच्चों जो पॉइंट है ये आपको याद नहीं करना, खाली ये आपको याद करना कौन सा बच्चों, स्मॉलर द गोल्डन नंबर ऑफ ग्रेट इज ग्रेटेस्ट द प्रोटेक्टिव कोलाइड. तो देखो क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप कोलाइड्स है तो कौन सा आपका सबसे इजी है ऐड करने के लिए बच्चों, जेलेटिन. इसको डालो ये आपका जो लायोफोबिक कोलाइड वो आपका जल्दी आपका क्या हो जाए आपका बन जाएगा आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा. इतना परसेंट में आया बच्चों, हाँ ना, डन. यस सर. ये जेलेटिन क्या होता है बेसिकली, होता है ना जो हमारा फैट्स फैट्स होते हैं है ना, तो वहाँ से जेलेटिन बनता है. जैसे आपका इससे हम नॉन वेज जो होता है नॉन वेज आइटम से बात करते हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपका जेलेटिन होता है. अभी हम उसके बाद बात करें, खाली समझ जाओ जेलेटिन क्या करिए बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद. ओके चलो सर, जो आप इसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट है सर उसको ही मार्क करो, बाकी हटा दो सर, वरना फिर सारा टॉपिक लिखना पड़ता है. ना 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 पूरा इम्पोर्टेंट नहीं है बोला ना, ये देखो प्रोटीन में क्या है बच्चों आएगा. हाँ सर, इतने ये पार्ट इतना, ये पार्ट को ध्यान रखना, ये पार्ट को ध्यान रखना ठीक है, ये गोल्डन नंबर के बारे में ध्यान रखना और आपका ये वैल्यू को ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं, इतना पार्ट और कुछ नहीं. समझे सर बच्चे? यस सर. यस सर. ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा पार्ट है. यस सर. तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ना. तो जितना ज्यादा जितना छोटा गोल्डन नंबर होगा क्या हो बच्चों, उतना ज्यादा आपका प्रोटीन पावर होगा, इतना बात सिंपल और कुछ नहीं. अभी हम बात करते हैं इमल्शन के बारे में. तो बेसिकली बच्चों आपका दो टाइप का इमल्शन होता है बच्चों है ना. अब देखो इमल्शन मतलब क्या होगा बच्चों, देखो दैट इज डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स कैसे होगा बच्चों, आर दे आर लिक्विड्स, इसे हम बोलते हैं इमल्शन के बारे में. तो दो टाइप के होते बच्चों, एक होता है आपका ऑयल इन वाटर, एक होता है आपका वाटर इन ऑयल. अब ऑयल क्या मतलब के बच्चों ये कैसा है, ये आपका देखो ये आपका है डिस्पर्स फेस और वाटर क्या बच्चों, ये आपका है डिस्पर्स मीडियम. जब हम बात करते हैं वाटर इन, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों, वाटर कहाँ पे आएगा, वाटर आएगा आपका डिस्पर्स फेस में, ऑयल कहाँ पे आएगा बच्चों, ये आएगा आपका डिस्पर्स मीडियम में. तो अगेन एग्जाम्पल ध्यान है बच्चों, मिल्क क्या बच्चों, मिल्क आपका ऑयल इन वाटर है और वाटर इन ऑयल क्या बच्चों, कोल्ड लिवर ऑयल, लिखे बच्चों ये आपका वाटर इन ऑयल वाला पार्ट है, बस इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं. तो खाली डेफिनेशन देखो मतलब क्या होता है और कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत इजी वाला पार्ट है. इतना पर सर बस समझ गए, हाँ या ना? यस. ओके. यस. ओके बहुत बढ़िया. तो सर जब हम पानी में तेल डालेंगे या तेल में पानी डालेंगे तो रिजल्ट अलग आएगा क्या? देखो मान के चलो पानी ज्यादा है, मान के चलो पानी ज्यादा है और थोड़ा सा तेल डाल दिया तो क्या होगा, थोड़ा अलग दिखेगा नहीं दिखेगा? अब मान के चलो आपका तेल बहुत ज्यादा है और पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया तो क्या होगा, तो वही बात दिया. तो डिस्पर्स फेस में क्या होता है, क्वांटिटी कम होता है और डिस्पर्स में आपका ज्यादा अमाउंट होता है, इतना ध्यान रखना. ये क्या बच्चों, आप इसको सॉल्यूट समझो और ये आपका सॉल्वेंट समझो, सिंपल. ओके हाँ. अगेन बच्चों ये आपका अगेन एग्जांपल्स है, इतना इंपॉर्टेंट मतलब कि समझना बच्चों, यूज क्या होता है मतलब कि कहाँ पे दिखता है, ब्लू कलर स्काई से बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, फिर आपका मिस्ट रेन में होता है, फूड आर्टिकल्स लाइक मिल्क बटर इसमें कोल्ड्स होते हैं बच्चों, ब्लड इन विच कोल्ड सोल्यूशन आर इन द एल्बुमिन सोल्यूशन सब्सटेंस, ये हम बोल सकते हैं. सर इज जीनियस, जीनियस स्पेलिंग गलत लिखा आपने बच्चा, सर स्पेलिंग पे जाओ सर, इमोशंस पे जाओ. क्या बात है, क्या मतलब कि क्या पॉइंट बोला है, सम्मानना पड़ेगा है कि नहीं. फिर हम बात करते हैं फर्टाइल सोइल के बाद, क्या लिखा है, द फर्टाइल सॉइल्स आर क्रिएटेड बाय द नेचर ऑफ ह्यूमस एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. तो ये आपका एग्जांपल्स है, सब कुछ पढ़ने जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा वहां से पढ़ना, ये तो भेजूंगा दूसरा भेजूंगा आपको. फिर आपका एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लीकेशन होता है बच्चों, तो आपका ये मेडिसिन में काम आता है, टैनिंग में काम आता है, सैवेज डिशों में काम आता है, ड्रिंकिंग वाटर में काम आता है ना, फोटोग्राफी में काम आता है, आर्टिफिशियल रेन कैर में काम आता है. अब देखो बच्चों जैसे आप सुनोगा आईआईटी कानपुर या खड़गपुर, पता नहीं मुझे, आई गेस आईआईटी कानपुर ही है जिसने अभी ना आर्टिफिशियल रेन कराया,
तो ये आपका फ्यूचर में बहुत काम आता है बच्चा, है ना। अगर आईआईटी कानपुर ही शायद, आईआईटी कानपुर ही है। देखो ये जो इंस्टीट्यूट है ना, आईआईटी कानपुर, आईएससी बैंगलोर, नाइजर, आइजर्स, ये सब है ना, हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। अरे आप मानोगे नहीं, दुबई जो साउथ वहां पे ना, वहां पे आर्टिफिशियल, वहां पे आपका आर्टिफिशियल होता है। देखो दूसरा क्या लिखा, देखो लिखा बच्चों, ब्लड कोटिंग बाय द फेरिक्लोराइड और पोटेशियम, ये आपका आईएमपी, ये पार्ट आपका आईएमपी है कि ब्लड कोटिंग कराते हैं, और आपका यहाँ ये पार्ट दैट इज बोलते हैं बाय द इन स्मोक प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पे आपका क्लोराइड काम आता है। तो ये बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। बेसिकली इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगेन इम्पोर्टेंट क्या बच्चों, जो पॉइंट लिखा है उसको ध्यान रखना बच्चों, उसका प्रॉपर ध्यान रखना। एंड देन प्रोटेटिकॉल्स के बारे में पढ़ा है बच्चों, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना बच्चों। एंड देन आपका इमर्शंस क्या होता है, बहुत बेसिक है, सिंपल वाले पार्ट है, ठीक है ना। एंड देन आपका सोल के बारे में। तो बच्चों अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम, है ना, जे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और टाइम में समझ में आएगा, एंड देन प्रॉपरली करते, ओके ठीक है ना। अभी बच्चों ये पार्ट, आई गेस ये पार्ट हमने कल कल भी पढ़ा था बच्चों, देखो है ना, ये किया था ना बच्चों, हाँ है ना, ये पार्ट टिंडल फेड के बारे में, सर ये नहीं किया था ओके सर, तो क्या ये नहीं था, था वो। ओके दो। अब देखो पहला पॉइंट पढ़ते, दो क्या लिखा, दो बच्चों, द डायमीटर ऑफ कोलोइड पार्टिकल सॉल्यूशन इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज शोड इज इन द टिंडल फेड, क्या ये सही है बच्चों। आप बोलोगे हाँ ये सही यस सर, स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द साइज पार्टिकल्स लार्ज इनफ, ये भी आपका सही पॉइंट है। तो ये आपका स्कैटरिंग की बात करते हैं, तो आपका टिंडल फेड का स्कैटरिंग होता है क्या, बोलो बच्चों, ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन एंड आर इज द करेक्ट स्मूथ, ये क्या बच्चों, ये आपका टिंडल इफेक्ट वाला पार्ट है। अगेन बच्चों जो आपको यहाँ पे नया पॉइंट दिखे उस सबको आपको नोट डाउन करना है, तो अगर आपको दिख रहा है बच्चों कोई नया पॉइंट तो आपको उसको बच्चों नोट डाउन करना है बच्चों, नहीं ऑप्शन नहीं आएगा इसका, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये आपका टिंडल फेड वाला पार्ट है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। पढ़ो बच्चा स्टेटमेंट पहला पढ़ो, कम ऑन जल्दी जल्दी पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो। सर बोल किस कर रहे हो? कोई पढ़ो बच्चा, जैसी आप पढ़ लो। स्टेटमेंट वन, फॉर कोलाइडल पार्टिकल्स द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू वैल्यूज शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कंसंट्रेशन। ये पार्ट हमने स्टेटमेंट टू, पढ़ा, हाँ ये सही है गलत है बच्चों, ये आपका सही है ना, हमने पल पढ़ा था कोड़ी पर, सही है तो ये आपका कोड़ी पर कैसा, ये आपका होता है स्मॉल ऑर्डर का होता है कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, ये आपका सही वाला पार्ट है। हाँ पढ़ो बच्चा, हाँ स्टेटमेंट टू, फॉर कोलाइडिंग पार्टिकल्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ सेम चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। क्या सही है बच्चों, हाँ या ना, यस सर, नहीं ये आपका गलत है। क्यों बच्चों, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा है सेम चार्जेस, क्या बच्चों वहाँ पे आपका होता है अपोजिट चार्ज होता है, हाँ वहाँ पे आपका अपोजिट चार्ज आएगा बच्चों। तो आप क्या बोले बच्चों, आप ये बोलोगे स्टेटमेंट वन सही है लेकिन ये गलत है, तो क्या बोलो बच्चों, बी ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो कब पूछा बच्चों, देखो ये आपका JEE 2023 से पूछा गया, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसे ही आपको बच्चों एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेटमेंट पूछेंगे, अगेन पता है तो आपको आंसर है तो इधर सही आएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगेन ये पूछा गया आपका 2022 में, क्या लिखा, देखो बच्चों देखो, द डिसॉल्व सॉल्यूशन कैन बी रिमूव्ड बाय कोलेशन बाय द डिफ्यूजन थ्रू द पार्चमेंट पेपर, द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू द पार्चमेंट पेपर बट पासेस थ्रू द बट कोलोइड पासेस थ्रू द पार्चमेंट पेपर, क्या क्या हो बच्चों, आप बोलोगे पहला सही है बच्चों, हाँ या ना, पहला सही है, पहला पार्ट सही है कि नहीं बच्चों, जब जब पढ़ा था डायलिसिस के बारे में, अरे हमने पढ़ा था डायलिसिस के बारे में, मतलब कि फिल्टर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फिल्टर मेम्ब्रेन वाला पार्ट हमने क्या था बच्चों, वो आपका इजिली पास होता था। देखो पर हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्या होता है जो आपका पार्चमेंट पेपर है या मेम्ब्रेन है, क्या होता है बच्चों, ट्रू से पास हो जाता लेकिन आपका कोलोइड पास नहीं होता, तो यहाँ पे था इसका ऑपोजिट लिखा बच्चों, क्या लिखा बच्चों, द कोलोइड पार्टिकल्स कैन पास थ्रू,
तो ये था आपका ग्रोंग है ना, बताते हैं बताता, हाँ याद है कि नहीं है, देखो यस सर। वेट करो वेट करो, बता देता आपको। ये देखो बच्चा, ये दिख रहा है, यस सर दिख रहे हैं। देखो क्या लिखा है, देखो कोलोर्ड पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द पार्चमेंट पेपर, हाँ या ना, है ना। यस ओके तो ये क्या बच्चों, ये आपका कोलोर्ड वाला पार्ट है बच्चों। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। देखो जितना पढ़ा है बच्चों वहां से वहीं से क्वेश्चन आएगा बच्चों, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान समझो। तो ये पार्ट बच्चों हो गया डन, समझ गए बच्चों। तो आप क्या बोलो बच्चों, आपका ए सही है बच्चों, लेकिन बी क्या बच्चों, आर क्या है, आर आपका गलत है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, सोमदत, विवेक, यस सर। मितुल, अखिल, निखिल, सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर है, कितने सारे बच्चे, यस देखो सर। अंशुल है, यस रोहित है, भाई बोलना है ठीक है ना, शिवानी, शुभम, सूरज, सूर्यांश, सबका बोलना है आंसर, ऐसे नहीं ध्यान से बैठ रहना है। आगे बढ़ते बच्चों, देखो कौन सा सोल आएगा, देखो क्या, देखो द सोल गिन बिलो इस नेगेटिव चार्ज सोल, कौन सा आपका नेगेटिव चार्ज सोल होगा बच्चों, बताओ जरा। फिर सी ऑप्शन। एकदम से क्या बोलो, अब बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बोलो बच्चों, व्हेन AgNO3 इज एडेड इन द के सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इसको ऐड कर, तो कैसे बच्चों क्या होगा, ये आपका एक्सेस होगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अब बोलोगे आई एम एस आपका एडसॉर्ब होगा, तो क्या बच्चों आप इसे बोलोगे दैट इज AgI, और यहाँ पे आपका आई एम एस बनेगा। तो अब क्या बोलोगे बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगा। अब देखो हमने क्या देखा बच्चों, FeCl3 एड इन हॉट वाटर, क्या, तो बच्चों ये आपका पॉजिटिव होता है, हाँ है ना बच्चों, यस या नो, है ना। यस सर। तो ये बच्चों ये पॉइंट्स हैं जिसको आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। ओके अब यस देखो जो क्या लिखा बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन लायोफिलिक सोल इज एड इन द लायोफोबिक, अभी जैसे मैंने पढ़ा था बच्चों, क्या देखा था हमने, द लेयर इज फॉर्मड अबाउट इज फॉर्म ओवर द लायोफोबिक, हाँ है ना बच्चों, अभी याद आया सर। डन। यस ओके सर। तो ये कल भी आपका, कराया था आपने। हाँ कल कराया था, लेकिन आपको समझा, आपको समझ में नहीं आया था कल, आई गेस जैसे मुझे बोल रही थी सर इसका कैसे आएगा, तो ये कहाँ पे आ रहा बच्चों, यहाँ पे आपका ये आपका प्रोटेक्टिव वाला पार्ट में आ जाता है बच्चों, दैट इज द लेयर इज फॉर्म ओवर द लायोफोबिक सोल, ये पढ़ा हमने, पढ़ा कल पढ़ा था, कल हमने किया था। अब देखो द फेरिक क्लोराइड इज अप्लाइड इन द स्टॉप ब्लीडिंग, अब इसका आंसर क्या है बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज Fe3+ आयंस कोआगुलेटेड ब्लड विद द नेगेटिव चार्ज सोल, तो ये बच्चों आपको नोट डाउन करना है, ये बच्चों आपको नोट डाउन करना है, ये आपको काम में आएगा, अगर सेम क्वेश्चन बच्चों आया तो आपको ऐसा प्रॉपरली याद करना है ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। ओके अगेन आगे बढ़ते बच्चों, यल पार्ट, ये तो हमने किया था बच्चों है ना, द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एंथैल्पी ऑफ माइसल फॉर्मेशन, हमने क्या दिया था बच्चों, दैट इज डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन, किसका बच्चों होगा, ये आपका नेगेटिव होगा इसके लिए, और डी तो माइसल, नहीं होगी माइसल बाकी ऑप्शन। माइसल क्या है बच्चों, किसका आएगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, तो आप क्या बोलो बच्चों, ऑप्शन डी इज दैट। देखो अगेन बोलो बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपको प्रॉपरली नोट डाउन करने ही हैं सारे बच्चे। ओके डन, सारे बच्चे, सरिता, यस सर। ऋतिक, ऋषभ, प्रगति, पीयूष, यस यस तो ये पार्ट भी हमने बच्चों को प्रॉपरली कर लिया था, इसको करते हैं डीएल पार्ट, ये दिख रहा है बच्चों। यस सर। अब देखो यस अभी आप बच्चों, अभी आप पढ़ो इलेक्ट्रोफोरिस के बारे में, तो ये क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ जरा। फिर थोड़ा कम करना, वो हम दूसरे ऑप्शन में से देख रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है बच्चों,
कोलोइड पार्टिकल्स आर मूवेबल इन द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, हाँ है ना, है कि नहीं, यस है ना। तो ये क्या बच्चों कहाँ पाया जाता है, ये जाएगा यहाँ पर जाएगा, यस सर चला यस गया, यस सर। अब देखो हमने पढ़ा था बच्चों इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, वो क्या होता बच्चों, क्या होता बच्चों, डिस्पर्स मीडियम, है ना, बोलो बच्चों हमने क्या पढ़ा बच्चों। सोल और डिस्पर्स मीडियम को अलग करने के लिए, हाँ तो यहाँ पे आएगा, आप चेक कर लो क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ए वाला अभी नहीं होगा, अभी तो दो सेम ही लग रहे। अच्छा, नहीं, सर आ जाएगा भाई आ जाएगा, ए सर, ए सर ऑप्शन ए। बी आएगा ना बच्चा, ऑप्शन बी। हाँ, वही तो बोला सर, बी अब देखो ये देखो यहाँ पे आगे क्या आ गया सी बच्चों, ये आ गया आपका सी का चौथा नाम प्यार है, बी ऑप्शन में डी का चौथा है क्या। हाँ तो कुछ का सेकंड है। रुको रुको रुको, एक बार अच्छे से पढ़ते रहे, एक बार अच्छे से। सर मैं वही तो बोल रही हूँ हाँ क्या, कि सी का हाँ और डी का सेकंड दो ऑप्शनों में है कौन सा ऑप्शन में बच्चा बताओ जरा। सर, फर्स्ट सर ए और और सी। सी में। सर मेरी बात नहीं मानते, हाँ क्या ठीक करूँ। कोई नहीं, अगर ए ही आया फिर तो हाँ ठीक है, ओके डन, ओके सर, है ना, वो आएगा ना, आएगा आएगा सर। ओके। हाँ तो डरना नहीं है एग्जाम में से, ओके। तो ये पार्ट सर भी आंसर क्या था वैसे ऊपर वाले का? हम, आंसर क्या आएगा, आंसर ए आएगा, सिंपल। क्या आएगा बच्चों, आंसर ए आएगा, ठीक है। यस ठीक है तो सर, अगेन अगेन बच्चों इस पॉइंट को नोट डाउन करना, इसको आप प्रॉपरली नोट डाउन करना बच्चों, ठीक है, डन, यस सर, ओके। यस अब देखो ये तो हमने पढ़ा था बच्चों क्या था, ये तो ऑप्शन सी आएगा, बिकॉज ये आपका एंडोथर्मी होता है और आपका एंथैल्पी होता है पॉजिटिव, ये हमने बच्चों प्रॉपरली पढ़ लिया था, डन सारे बच्चे, यस सर, यस सर। सर बट ये ओके। एंट्रोपी था, एंथैल्पी नहीं है। हाँ एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस, है ना। हाँ तो ऑब्वियसली वही आएगा ना बच्चा, हम डाल रहे हैं ना उसके अंदर, ये दिख रहा है ये क्वेश्चन। यस सर, यस सर, हाँ अब बताओ क्या क्या आएगा बच्चों। देखो ये तो हमने आगे पहले भी किया था राइट, अभी आपको सोल्व करने पता चल गया होगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये आपका नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा बच्चों, जिसका जिसमें क्या होगा बच्चों, जिसमें आपका वाटर होगा, सिंपल, समझिए बच्चों, डन। यस सर, ये तो जल में आएगा, और ये आएगा आपका स्टार्च में, कौन सा बच्चों, यस माइक्रो मॉलिक्यूलर, ये आपका स्टार्च में जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, क्या सी है सर, सी सी है, सी है, देख चेक करो बच्चा सी है क्या। हाँ सी है, यस सर, सी ही भाई। सी इज द राइट आंसर, ओके डन। क्वेश्चन आ गया अगेन 2022 में, द जीटा पोटेंशियल ऑफ विच प्रॉपर्टी, क्या होता बच्चों, इट इज द, बोलो क्या आंसर आएगा, इट इज द, चार जो क्या आंसर आएगा बच्चों जल्दी बताओ, सी चार्ज और सरफेस, एकदम सही, क्या आएगा बच्चों, सी इज द आंसर, ये आपका जीटा पोटेंशियल में आ गया। अगेन देखो बच्चों फिर हम बात करते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स, क्या होता है बच्चों, क्या होता है ये आपका प्रोटेटिक कोलाइड्स है, हाँ अभी हमने पढ़ा, हाँ है ना, है ना। यस सर, इमल्शन क्या होता है बच्चों, ये आपका लिक्विड 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 है, ये आपका लिक्विड लिक्विड है। अब देखो क्या बच्चों, पॉजिटिव, पॉजिटिव कब बने बच्चों, जब क्या होते हैं एफिशिएंट को ऐड करते हैं आपका हॉट वाटर में ऐड करते हैं, क्या बनेगा आपको पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव कब बने बच्चों, जब इसको बेस में ऐड करते हैं, तो ये आएगा बच्चों। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सर, ए आ रहा है, ए ए का टू बी का वन, उसके बाद ए सी, यार, ओके ए इज द राइट आंसर, ठीक है, डन मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी सर, यस सर, यस अगेन ये पार्ट भी हमने बच्चों प्रॉपर्ली पढ़ लिया था, टिंडर फिट के बारे,
कौन सा गलत है, तो मैं यहाँ पे क्या कैसा बच्चों, यहाँ पे क्या बी वाला गलत है। यहाँ पे आएगा डज नॉट आएगा, यहाँ पे डज नॉट आएगा। तो वैसे आजा बड़े फास्ट फास्ट नहीं करा रहे हो। हाँ तो ये पार्ट ऑलरेडी हो चुका है ना, मैं आपको कितनी बार ये पार्ट करा चुका हूँ राइट आई गेस, है ना। ये देखो अगेन माई सेल्फ फॉर्मेशन वाला पार्ट, ये भी मैंने आपको करा दिया है। ये सब के बच्चे, ये सब का रिसेंट क्वेश्चन है जो इससे बार आ चुके हैं, हमें सोचने। ओके ओके फाइन फाइन, रुको जरा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन करो। हाँ अब सोचो सर, भाई सोच के मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, सोचो। सर पिछला दिखा था तो 1 मिनट। अरे यार ए नहीं सर, इसी पिछला एकदम भगा दिया आपने ये वाला पार्ट चेक कर लो, सर। क्या ऊपरला सर, ऊपरला चला गया वो क्वेश्चन एक ही तो क्वेश्चन है। हाँ सर, देखा नहीं ना। तो ये आपका वो सोप वाला पार्ट था, ये आपका सोप वाला पार्ट है, सिंपल है ना। देखो ये सब सर में जो ये क्वेश्चन कब निकल गया? नहीं किया था क्या हमने, किया था ये वाला अरे किया था देखो, या में देखो टिक लगा दिया या मैंने आंसर सर। या मैंने को याद, देखो तो सिंपल ये सी तो बात है। आंखों के सामने पता ही नहीं चला आपने कब नीचे कर दिया। कोई अलादीन की जो मैटर थी उसकी तरह चला कैसा हूँ करता। बात नहीं, यहाँ पे देखो क्या देखा, देखो वॉशिंग क्लोथ हो रहा है, कम से क्यों बच्चों नहीं बने, क्यों बच्चों बिकॉज माइसेस नहीं बनेंगे और आपका सीएमसी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, इसलिए आपका सोप मतलब साफ करने में काम नहीं आ पाएगा। तो ये आपका अगेन क्वेश्चन है, ये आपका माइसर वाला पार्ट है। ओके okay. हाँ चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करो चलो फटाफट, कम ऑन ये क्वेश्चन करो, चलो सोचो 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 सारे बच्चे सोचो। सर ये तो सिंपल है हाँ बताओ ना आंसर, सिंपल है तो। सर, ऑप्शन बताओ अभी देखो सर, वो बड़े ऑप्शन डबल डिकम्पोज कहाँ पे आएगा बच्चों, कहाँ पे आता बच्चों, ये एएस वाले में। आरसिक में या ए आएगा। फिर हम बात करते हैं गोल्ड सर बी ऑप्शन आएगा इसका बस। यस सर, बी आएगा पक्का ना। हाँ जी सर पक्का हाँ गलती मत कर देना। एकदम पक्का। हाँ तो ये आंसर आना चाहिए डी का टू यहाँ पर। ओके हाँ डी का टू एक ही में, और सब में है नहीं डी का टू, डी का टू खाली एक ही में, देखो इसी में आपका डी का टू है बस, और कुछ नहीं। आ गया आंसर, बोलो कितना सिंपल है। सर तो ही हमने बोला था ओके हाँ सर, शुरुआत आप कर देते आंसर हम बता देते। चलो ये आंसर बताओ, चलो ये आंसर बताओ, सोचो सोचो कोई बस सोचो आराम, सोचो सारे बस सोचो, कमान सोचो बच्चों सोचो क्या आंसर आएगा। लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक सोल्स, रीजन क्या होता है। सर ए तो नहीं होगा, सर बी ऑप्शन नहीं। हाँ 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 अब तो सोचो ऑप्शन सोचो सोचो सोचो। सर आपने बोला सर 4 के होता है। अरे लायोफिलिक की बात हो ना, लायोफिलिक की बात हो, लायोफोबिक में चार्ज होता है, लायोफोबिक में चार्ज जाता है, यहाँ पे चार्ज जाता है ना, यहाँ पे तो लायोफिलिक की बात करिए ना। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिकॉज कोलोइड पार्टिकल्स आर द सॉल्वेटेड। सॉल्वेटेड होते हैं हाँ सर, देखा, मैंने अभी डी सर, हाँ देखा, अब याद आया नहीं अभी बोल रहे हो। सब समझ रहे हैं। मैंने चलो बता तो दिया एंड मोमेंट पे, अब सीख जाएंगे हम, इसको भूलेंगे नहीं कभी अब देखो ये सर। आप सर सिंपल अगेन बच्चों देखो ये पॉइंट को बच्चों आप प्रॉपर नोट डाउन करना, बिकॉज ये आपका आईएमपी है। क्या लिखो दो, द टिंडल फिट इज मोशन बाय द लायोफोबिक कोलोइड्स, ये आपका लायोफोबिक में आता है। तो बच्चों ये पार्ट समझ देखो। ओके इसका रीजन में देखो, इसका रीजन यहाँ पे लिखा है बच्चों, देखो इसका रीजन यहाँ पे लिखा है, देखो द लायोफोबिक सॉल्ट्स द पार्टिकल्स आर नाउ सॉल्वेटेड एज लायोफिलिक। तो क्या होता है बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस इन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, है ना। तो क्या होता है बच्चों, ये आपका तो आपका डिस्पर्स फेज में डिस्पर्स आपका डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है बच्चों देखो, देयरफॉर टिंडल इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड मोर इन द लायोफोबिक। लायोफोबिक में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम आपका डिफरेंस ज्यादा होता है, तो लायोफिलिक लायोफोबिक में ज्यादा होता है, इसलिए आपका यहाँ पे सही। तो ये बच्चों ये आपका आईएमपी है, इसको आप ध्यान से पढ़ाई करना। ओके डन। यस सर, ओके यस सर, हाँ ये क्वेश्चन बता कमल लास्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है यस सर, अगेन, तो जल्दी खत्म करो बच्चों टाइम भी हो रहा है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोलोइड पार्टिकल्स, कौन सा गलत है,
वो बताना आप। सर पहले सही है, पहले तो है ना, पहला सही है ना, पहला तो सही है, अलग पहला तो सही है ना, डी वाला भी एकदम सही है। वो भी एकदम सही, यस एकदम सर। हाँ डी वाला भी सही है। तो पहला वाला सही है, डी वाला भी सही है। पढ़ो बच्चा, सर बी कुछ कुछ गलत लग रहा है, क्या बात कर रहे कुछ हो, झोल कोलोइड उसमें। सॉल्यूशन सो ब्राउन इमोशन। हाँ दिखा तो है ये सर आपका, ब्रो ये मतलब हाँ सी, सर ठीक वर्ड जो मतलब दिखाता सी है सी आएगा इसका। क्या बच्चा आएगा। हाँ सी, क्या बोलते हो, द एन ऑर्डिनरी फिल्टर कैन स्टॉप फ्लो ऑफ कोल्ड पार्टिकल्स, ये आपका, आपका क्या बच गया, समझ सारे बच्चे, हाँ है ना। यस यस सर। सर, यस सर। ओके, तो यस सर। ये आ गया आपका, थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू वेलकम सर। सर। ओके चलो बच्चों, यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग की भी ऑफ करते हैं एंड भी मीटिंग को खत्म कर दो, ओके, क्यों टाइम भी हो रहा है बच्चों।